नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फिनेकल में हमारी शॉर्टकट कीज यूज़ होती हैं, जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं उसका यूज़ करके हम लोग कैसे फिनेकल में जो वर्क होता है उसको फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों सबसे पहले शॉर्टकट कीज़ है F2, जो कीबोर्ड में होती है आपकी ऊपर वाली लाइन में F2। ये सर्चर के लिए यूज़ होती है। आपका जो भी कोई भी किसी भी टैब के सामने सर्चर होता है, अगर आप उस पर हैं तो वहाँ पे सर्चर पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे सीधा आप अगर F2 प्रेस करेंगे तो उसके सामना जो भी सर्चर होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए अभी अकाउंट ID का जो सर्चर है वो ओपन हो गया। अगर स्कीम कोड का सर्चर आपको चाहिए तो स्कीम कोड के टैब में आके आपको F2 प्रेस कर देना है। तो देखिए जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो स्कीम कोड के सामने का सर्चर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर जनरल लेजर कोड जो भी है उसका चाहिए तो उसके सामने आप अगर F2 प्रेस कर देंगे तो जनरल लेजर कोड के जो भी उसके अंदर रहेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। बेसिकली जो मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उसके सामने आप क्लिक करेंगे, या फिर आप जब डॉक्यूमेंट डिटेल्स टाइप करते हैं तो उसमें जब एड्रेस प्रूफ या फिर जो उसका डिटेल्स रहती हैं आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वो टाइप करेंगे तो वो भी आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट कीज है हमारी F3, जो बैक के लिए यूज़ होती है। तो देखिए आप किसी भी स्क्रीन में हो तो वहाँ पे कैंसिल करने के लिए या फिर बैक करने के लिए आपको डायरेक्ट F3 प्रेस कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे कैंसिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिखा देते हैं यहाँ पे RD पेमेंट का, ये यहाँ पे आपको अगर डायरेक्ट कैंसिल करना है तो आप सीधा यहाँ पे F3 का प्रेस कर सकते हैं। देखिए मेरा कर्सर काफ़ी दूर है, मैंने कीबोर्ड से ही F3 प्रेस किया है। देखिए जैसे ही F3 किया तो ये वापस उसी मेन स्क्रीन पर आ गया है। अभी ये जहाँ पे कैंसिल लिखा था ये वो था, अभी बैक जहाँ पे लिखा होता है वो भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों HFTI में जब हम ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी करते हैं एंटर्ड या फिर कोई भी पोस्टेड की, देखिए जब यहाँ पे देखिए वापस जाना होता है तो यहाँ पे बैक पे क्लिक करना होता है। इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर F3 प्रेस कर सकते हैं। F3 प्रेस करेंगे तो ये सीधा आपकी जो इससे बैक वाली स्क्रीन होगी उस पर पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर दूसरी जो है वेरीफाइड या फिर कोर कोई पोस्टेड चेक करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे देखिए बैक जाना होगा तो नीचे भी स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से ही हम लोग सीधा कीबोर्ड से F3 प्रेस कर देंगे। देखिए F3 प्रेस करते ही वापस मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है F4। F4 जो है वो यूज होती है गो करने के लिए या फिर ओके करने के लिए। तो F4 का दोस्तों आपको ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा जब भी आप जैसे RD पेमेंट करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं सेविंग्स की, तो वहाँ पे आपको ऐड या फिर उसके बाद में नीचे गो की स्क्रीन मिलती है। आप वहाँ से डायरेक्ट F4 प्रेस करेंगे तो सीधा आप उससे अगली स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ गो है, देखिए जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो अगली स्क्रीन पर हम लोग आ जाएंगे और बैक करने के लिए सीधा नीचे हम F3 प्रेस करेंगे तो वापस से मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे जो कैंसिल के लिए होता है। देखिए दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद कस्टमर इंड्यूस्ड किया, कर्सर देखिए कितनी दूर है, डायरेक्ट हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, देखिए अगली स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आपको ज़्यादा जब RD पेमेंट करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट कीज़ है F9। F9 यूज़ होती है सिग्नेचर चेक करने के लिए। जब भी आप सेविंग्स का या फिर कोई भी अकाउंट का जब सिग्नेचर चेक करते हैं तो जो सिंबल बना होता है यहाँ पे, देखिए अभी सेविंग्स का अकाउंट टाइप कर लेंगे और उसके बाद में देखिए ये जो यहाँ पे सिंबल बना होता है सिग्नेचर के लिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है सिग्नेचर की स्क्रीन आपके सामने आएगी जहाँ से आप सिग्नेचर या फिर फ़ोटोज़ देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करने की बजाय डायरेक्ट जैसे ही अकाउंट नंबर आप वहाँ पे टाइप करेंगे, अगर डायरेक्ट F9 प्रेस करेंगे तो भी आपका जो ये सिग्नेचर की स्क्रीन है ये आपके सामने आ जाएगी। देखिए अभी हमने सिंबल से किया है ट्राई, अभी देखिए कर्सर मेरा काफ़ी दूर है, अभी मैंने जैसे ही F9 प्रेस किया, देखिए आप देख सकते हैं कर्सर कितना दूर है। जैसे ही F9 प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाती है। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट कीज है वो है हमारी Ctrl+X। तो दोस्तों जब भी आप Ctrl+X को एक साथ प्रेस करेंगे तो उससे आपकी जो भी डेट रहेगी टुडेज़ डेट यानी कि बिगिन ऑफ डे की डेट जो रहेगी वो आपकी आ जाएगी। तो जहाँ भी आप डेट का सिंबल आपको दिखेगा, डेट की जो भी टैब दिखेगी वहाँ पर आप Ctrl+X प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे चेक डेट लिखा है,
अगर हमको आज की डेट चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं, हमें कैलेंडर से यहाँ पे क्लिक करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी टैब में होंगे अगर वहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ही कंट्रोल एक्स को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू डेट का ऑप्शन है, जैसे ही वैल्यू डेट पे हम लोग कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर मेरा काफ़ी दूर है, डायरेक्ट कंट्रोल एक्स प्रेस करते ही हमारी आज की डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा अगला जो शॉर्टकट की है वो है हमारी टैब। जैसे ही हम लोग टैब प्रेस करते हैं, टैब यूज़ होता है हमारा, अगली जो नेक्स्ट हमारी विंडो होती है यानी कि जो भी टैब होती है उसमें वहाँ पे चला जाएगा आपका कर्सर। देखिए जैसे ही अभी यहाँ पे देखिए आपका, जैसे ही हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा आइकन होगा उस पर वहाँ पर पहुँच जाएगा। देखिए जैसे हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो अगली वाली लाइन में ये पहुँच जाता है कर्सर। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ टैब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है प्रीवियस जो टैब है उसमें आप वहाँ से जा सकते हैं। देखिए जैसे ही आप शिफ्ट और टैब को एक साथ में यूज़ करेंगे तो जैसा हम लोग आगे आ रहे थे ये आपको वापस जाने में मदद करेगा, पीछे वाली जो भी रहेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये वापस से रिपोर्ट कोड से शुरू होकर वापस से अकाउंट नंबर पर पहुँच जाएगा। तो शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल दोस्तों हमेशा जो है बैक में जाने के लिए यूज़ होता है। टैब आपका नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे लेके जाएगा और जो शिफ्ट और टैब रहेगा वो आपको बैक लेके जाएगा। अगली जो शॉर्टकट कीज़ है दोस्तों वो है आपकी F11। F11 यूज़ होती है आपकी फुल स्क्रीन के लिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं अभी ये फुल स्क्रीन थी और जैसे ही हमने F11 प्रेस किया तो ये शॉर्ट स्क्रीन और वापस से जो है फुल स्क्रीन में आ जाएगी, यानी कि आपके जो ऊपर जो दिख रहा होगा आपको क्लोज़र की स्क्रीन वगैरह वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप जो है अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट कीज़ है F10। F10 का यूज़ होता है दोस्तों डायरेक्ट सबमिट करने के लिए। देखिए लास्ट में हम लोग आपको F10 दिखाएंगे, इसके साथ ही जा रही शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही F4 प्रेस किया, तो जैसे ही F4 को प्रेस करेंगे तो देखिए अगली वाली स्क्रीन आ गई है और यहाँ पे देखिए विदाउट कर्सर का यूज़ किए हम लोग यहाँ से अभी अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो टैब कर करके ये नेक्स्ट जो है उसमें आपकी जो लाइन है उसमें पहुंच जाएगा। देखिए उसके बाद सबमिट करने के लिए सीधा हम लोग नीचे जो है सबमिट का बटन है उस पर क्लिक नहीं करेंगे, सीधा ही देखिए जैसे ही F10 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट ही सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही यहाँ पे F4 का प्रेस करेंगे तो वापस से मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप 3 से 4 बार जब RD को पेमेंट करते हैं तो आपको कर्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है वो आपका शॉर्टकट कीजिए F1, वो यूज़ होता है हेल्प के लिए, जहाँ पे भी आपको हेल्प अवेलेबल होगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सिंबल है जहाँ पे हेल्प लिखा है उसको डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करने की बजाय जैसे ही आप F1 को प्रेस करेंगे तो वहाँ से आपका जो है हेल्प का ऑप्शन वो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपके लिए कोई हेल्प अवेलेबल होगी तो हो जाएगा ओपन, नहीं तो आपका जो है ये जो अभी स्क्रीन आ रही है ये ऐसा नॉट फाउंड ये करके आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये सारी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके आप जो है आपके फिनेकल में जो वर्क करते हैं उसको फास्ट जल्दी से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।